मेरे प्यारे बच्चे, मुझे ज्ञात है संसार में तुम सभी परेशान हो। तुम सभी को परेशानियों ने घेर रखा है। तुम्हारी समस्या चाहे जो भी हो, परंतु उस समस्या का समाधान है मेरे पास। तुम हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि अगर तुम किसी का अच्छा नहीं कर सकते, तो तुम किसी का बुरा भी भूल कर मत करना। संसार में कोई कितना भी कमज़ोर हो, परंतु संसार की रक्षा करने वाला मैं स्वयं हूँ। कोई गैर भले ही बुराई करे, परंतु तुम अपनों की बुराई कदापि मत करना, क्योंकि तुम्हारे अपने गैरों की बुराई को भले ही भूल जाएं, पर तुम्हारी बुराई को कदापि नहीं भूलेंगे। तुम अपने जीवन को साधारण और नम्रता पूर्वक अपना आचरण करो, क्योंकि किसी पेड़ को बड़ा होने से पहले उसके बीज को जमीन के अंदर दबाना पड़ता है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलो, आवश्यकता से ज़्यादा बोलना व्यर्थ है। सोच समझ कर बोलना एक कला है, मौन रहना एक बहुत बड़ी साधना है। यह जीवन में थोड़ी बहुत सभी करते हैं, परंतु उस गलती को स्वीकार करना आपको सुखद जीवन की पहचान कराता है, क्योंकि जो झुक कर चलता है वह संसार पर विजय प्राप्त करने की ऊर्जा रखता है। हमें जीवन में सुख चाहिए तो दुख का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गलती जीव की है जिसे मीठा पसंद है, नीम की नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव तो कड़वा है। मुझे सब बुरे वक्त में याद करते हैं, अच्छे वक्त में कोई याद करना चाहता नहीं। जो मुझे अच्छे वक्त में याद रखता है, बुरा वक्त उनके सामने आता नहीं। जब तुम्हारा बुरा समय चले, तो यह मत भूलना कि तुम्हारा वक्त बुरा है, तुम्हारी ज़िंदगी बुरी नहीं है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है जो मैंने तुम्हें दी है। जब तुम्हारी ज़िंदगी में तुमको सुख प्राप्त हो, तो समझ लेना कि तुम्हारे अच्छे कामों का फल मैं तुमको दे रहा हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानी तुमको घेर लें, तो समझ जाना कि अब तुमको अच्छा कर्म करने का योग्य प्राप्त हुआ है। कभी तुमको हद से ज़्यादा मिले खुशियाँ, तो घमंड मत करना। खुश रहना है तो एक बात को सीख लो, तुम्हें ना मिले तुम्हारे जैसा कोई, तो तुम स्वयं से प्यार करो। कभी अभिमान मत करो, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये भ्रम मत पालना कि तुम्हारी ज़रूरत सबको पड़ेगी। एक बात को हमेशा याद रखना, अपनी खुशियाँ चाहे पूरे संसार के साथ बांट लेना, परंतु अपने दुख हमेशा भरोसेमंद के साथ ही बांटना। परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों, मुझ पर से विश्वास मत खोना। मैं पूरे संसार के पेड़ों से फल को नहीं गिरने देता, तो तुम्हें कैसे गिरने दूंगा? तुम तो मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। भरोसे और सच्चाई से सही रास्ते पर चलते रहो, मैं तुम्हारी उम्मीद से ज़्यादा दूंगा। अगर तुम्हें स्वयं का जीवन अच्छा चाहिए, तो पूरे संसार के कांटे हटाने से सरल है तुम स्वयं के पैरों में जूते पहनकर चलो। जब हम किसी व्यक्ति को, संबंध को, समय को खो देते हैं, तभी ख्याल आता है कि कितना अच्छा था वो। इसीलिए अपने रिश्ते को संभाल कर रखें। मैं तुम्हारा हाथ थाम कर रखूँगा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना।